तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं आईसीएल सीजन 6 के टॉप 10 विदेशी खिलाड़ियों के बारे में, जिन सब खिलाड़ी ने इस बार बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस किया है इस सीजन में और एक छाप छोड़ दिया है। तो इस लिस्ट में आपको पुराना और नया खिलाड़ी का नाम मिला जुला कर मिलेगा। तो चलिए हम 10 नंबर से शुरू करते हैं, उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 नंबर पर मैंने रखा है जमशेदपुर एफसी के स्ट्राइकर सर्जियो कस्टेल को। तो भाई कस्टेल इस बार अपना छाप तो छोड़ गया है, यहाँ पर कुछ संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि जो उम्दा परफॉर्मेंस उन्होंने करा था जमशेदपुर एफसी की तरफ से सीजन की शुरुआत में वो बहुत ही इफेक्टिव था, और उसके बाद जैसा ही वो इंजरी के चलते बाहर हो गया, जमशेदपुर एफसी का टीम भी पूरी तरीके से बिखर गया। और अगर इनकी स्टैट्स देखा जाए तो टोटल 11 मैचों में इन्होंने खेला था, 867 मिनट इनको गेम टाइम मिला, 8 गोल लगाया, 0 असिस्ट, 312 पासेस, 408 टचेस और एवरेज पासेस पर गेम है 28.36, इंटरसेप्शन है 7 और क्लियरेंस है 9। तो सर्जियो कस्टेल के दमदार परफॉर्मेंस के चलते इनको मैंने 10 नंबर पर रखा है, उसके बाद 9 नंबर पर मैंने रखा है उड़ीसा एफसी के स्ट्राइकर अरियाने संतने को। तो भाई संतने भी इंजरी के चलते बाहर हो गया था, उसके बाद हमें लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मामला बिगड़ सकता है, लेकिन ओनु आकर पूरी तरीके से संभाल लिया था उड़ीसा एफसी की टीम को। लेकिन अरियाने संतने इंजरी होने से पहले बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था इस सीजन में, उड़ीसा एफसी की तरफ से बहुत ही खास खिलाड़ी बन चुका था और जेरी के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ। टोटल इनको 14 मैच में मौका मिला था, 1144 मिनट इनका गेम टाइम रहा है, 9 गोल लगाया है, 2 असिस्ट किया है और इसके बाद 419 पासेस से 569 टचेस से इनके नाम, एवरेज पासेस पर गेम है 30.64। तो एक बहुत उम्दा सीजन इनका भी रहा और आईएसएल में एक छाप छोड़ गया है एक खिलाड़ी। अब इनको रिटर्न करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता है, लोन में आया था और फिर से क्या डील हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन भाई खिलाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त था, उड़ीसा एफसी को बहुत ही मदद किया है इस सीजन में, इसलिए इनको मैंने 9 नंबर पर रखा है। नेक्स्ट 8 नंबर पर है अगस्त गार्सिया, जो कि एटीके का डिफेंडर है। इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रहा इस बार, आपको पता ही होगा कि इनके जाने के बाद एटीके बहुत ही दिक्कत में चल रहा था, खास करके डिफेंसिव लाइन को लेकर, और अगस्त गार्सिया का जो छाप था इस बार हम सभी को याद रहेगा। उन्होंने टोटल इस सीजन में 14 मैच खेला है, 1174 मिनट उनको गेम टाइम मिला है, गोल तो नहीं लगाया है लेकिन एक असिस्ट उनके नाम है इस बार, साथ साथ 317 पासेस, 553 टचेस से एवरेज पासेस पर गेम है 22.64, उसके बाद 15 इंटरसेप्शन, 161 क्लियरेंस है इनके नाम। तो अगस्त गार्सिया का परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार था, इसमें कुछ संदेह करने वाली बात नहीं है, एटीके की तरफ से उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए उनको मैंने 8 नंबर पर डाला है। नेक्स्ट 7 नंबर पर मैंने सेट किया है राफेल क्लिवहलर को, जो कि चेन्नई एफसी की तरफ से खेल रहा है। तो चेन्नई एफसी के न्यू हेड कोच के अंडर राफेल क्लिवहलर का भी परफॉर्मेंस बहुत ही उभर के सामने आया है, पहले कुछ मैचों में इनका परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब से इनका नया हेड कोच आया है इनका मेन स्ट्राइकर वाल्किस और क्लिवहलर जो प्ले मेकर है वो अपना काम बखूबी किया है चेन्नई एफसी की तरफ से, और उसके ही चलते चेन्नई एफसी आज फाइनल में पहुंच चुका है। तो क्लिवहलर को तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा इसमें। अगर इनकी स्टैट्स की बात किया जाए तो अभी तक 18 मैच में इन्होंने खेला है, 1478 मिनट इनको गेम टाइम मिला है, 7 गोल इनके नाम है और 7 असिस्ट भी इनके नाम है। पासेस की अगर बात किया जाए तो 910 पासेस, 1032 टचेस से 50.65 एवरेज पासेस पर गेम, उसके बाद 8 इंटरसेप्शन और 11 क्लियरेंस। और क्लिवहलर की इन सभी अच्छे परफॉर्मेंस के चलते ही मैंने इनको 7 नंबर पर डाला है टॉप 10 लिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर पर मैंने डाला है चेन्नई एफसी का ही कैप्टन लुसियान गोयन। तो लुसियान गोयन पिछले सीजन मुंबई सिटी एफसी की तरफ से खेल रहा था और उनका कप्तान भी था, और उसके बाद जब चेन्नई एफसी में आया उनको तुरंत ही कप्तान फिर से बना दिया गया इस टीम का भी, और अपना जो काम था लुसियान गोयन बहुत ही बाखूबी तरीके से किया है इस बार। इनका अगर स्टैट्स देखा जाए तो टोटल 18 मैच में भी इन्होंने खेला है, 1598 मिनट इनको गेम टाइम मिला है, 2 गोल लगाया है इस बार और सबसे ज़्यादा अहम गोल इनका आया उनके ही फॉर्मर क्लब के विरुद्ध मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ, और उसके ही चलते चेन्नई एफसी सेमीफाइनल तक पहुंचा है। तो बहुत ही वाइटल रोल रहा है इस बार लुसियान गोयन का, खास करके डिफेंस के साथ साथ अटैक में भी, 0 असिस्ट इनके नाम है, उसके बाद 476 पासेस से 857 इनका टचेस है, एवरेज पासेस पर गेम है 26.44, उसके बाद 44 इंटरसेप्शन और 201 क्लियरेंस इनके नाम है। तो गोयन का परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने इनको इस बार लिस्ट में 6 नंबर पर रखा है। और नेक्स्ट अब चलिए हम बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ। तो मैंने 5 नंबर पर रखा है चेन्नई एफसी का ही स्ट्राइकर वाल्किस को।
तो भाई चेन्नई एफसी की तरफ से वालकिस ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको भी पता है पहले कुछ मैचों में इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया था, लेकिन जब से नया हेड कोच आया है टीम का रुख ही पूरी तरीके से बदल चुका था और वालकिस का किस्मत ही खुल गया था। और इनका अगर स्टैट्स देखा जाए तो टोटल 19 मैचों में इनको गेम टाइम मिला है 1530 मिनट, उसके बाद 14 गोल, गोल्डन बूट के रेस में अभी भी चल रहा है, साथ साथ 6 असिस्ट भी है इनके पास। और इसके बाद 452 पासेस से 603 टचेस से एवरेज पासेस पर गेम है 23.79, उसके बाद इंटरसेप्शन है 6, क्लियरेंस है 17। तो एक बहुत उम्दा खिलाड़ी इस बार वालकिस अपने पहले सीजन में ही अपने आप को साबित किया न्यू हेड कोच के अंडर, और उसके ही चलते इनको मैंने 5 नंबर पर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर पर है कोरो। इफ्सी गोवा की तरफ से कोरो ने इस बार भी बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, इनका वर्कलोड बहुत ही अच्छा रहा। 37 साल इनका उम्र है, लेकिन भाई इनका जो फिटनेस है वो काबिले तारीफ है। इस सीजन में भी इन्होंने लीडिंग स्कोर में अपना नाम छोड़ दिया है। हालांकि इनके पास अब गोल्डन बूट जीतने की कोई चांस नहीं है क्योंकि सेमीफाइनल से निकल चुका है एफसी गोवा। तो इस बार कोरो के अगर स्टैट्स देखा जाए तो टोटल 17 मैच में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 1509 मिनट इनका गेम टाइम रहा, 14 गोल इन्होंने लगाया है, 4 असिस्ट किया है, 549 पासेस से 650 टचेस से एवरेज पासेस पर गेम है 32.29, उसके बाद 12 इंटरसेप्शन भी इनके नाम है। तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रहा फिर से एफसी गोवा की तरफ से, और इसको ही देखते हुए मैंने इनको 4 नंबर पर रखा है। और इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर पर मैंने रखा है रॉय कृष्णा को। तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि रॉय कृष्णा का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा इस सीजन में, क्योंकि भाई आप लोग देख सकते हो कि इनका जो काम था एटीके की टीम में उन्होंने बाखूबी तरीके से किया था। जिस दिन इनको जिस रोल में आना चाहिए वो आया और वहाँ पर इन्होंने काम किया, डिफेंस में भी काम किया, अटैक में भी काम किया, और इनका फिनिश भाई बहुत ही ज़बरदस्त था। लास्ट मैच पे किस तरीके से इन्होंने गोल लगाया था, किस तरीके से एटीके को फाइनल में पहुंचाया, वो आपको पता ही है। और अगर इनके स्टैट्स देखा जाए तो टोटल 20 मैच में इन्होंने खेला है, 1794 मिनट इनका गेम टाइम रहा है, 15 गोल इन्होंने लगाया है, और गोल्डन बूट के रेस में ऊपर चल रहा है, 5 असिस्ट भी इनके नाम है, 500 पासेस, 686 टचेस से, उसके बाद 25 इनका एवरेज पासेस पर गेम है, 11 इंटरसेप्शन है, 7 क्लियरेंस है। तो रॉय कृष्णा आने से पहले हम लोग जिस तरह का परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने ए लीग में डाला था, उस तरह का ही परफॉर्मेंस और उस तरह का ही एक्सपेक्टेशन में एक खरा उतरा है, और उसके ही चलते मैंने इनको 3 नंबर पर सेट कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट मैंने 2 नंबर पर सेट किया है कैडबस्टर एफसी के कैप्टन और स्ट्राइकर बार्थोलोमियो ओगबेचे को। तो ओगबेचे का क्या वर्कलोड था इस बार आपको भी पता है भाई, क्या दमदार परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। जब कैडबस्टर एफसी का नया डूब रहा था उस सिचुएशन में भी ओगबेचे ने कैडबस्टर एफसी को उठाने की कोशिश किया, और कहीं हद तक वो सफल भी हुआ है इस सीजन में। मुझे लग रहा है कि उनका जो परफॉर्मेंस था इस बार कैडबस्टर एफसी का जो गम था वो पूरी तरीके से भुला देगा। कैडबस्टर एफसी का जिस तरीके से खराब सीजन इस बार जा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीज दिखाई दिया ओगबेचे के ही चलते, और नेक्स्ट सीजन में मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा अब करेगा कैडबस्टर एफसी और ओगबेचे मिलकर। तो भाई अगर इनके स्टैट्स देखा जाए इस बार का तो टोटल 16 मैच में इन्होंने खेला है, एक हैट्रिक भी इनके नाम है आपको पता ही होगा, और उसके बाद 1318 मिनट इनका गेम टाइम रहा है, 15 गोल इन्होंने लगाया है, और गोल्डन बूट के रेस में शामिल था, लेकिन कल रॉय कृष्णा ने गोल लगाया, और रॉय कृष्णा के पास अभी भी मौका है, एक और गोल लगा देता है तो कन्फर्म रॉय कृष्णा को ही गोल्डन बूट मिलने वाला है, और साथ साथ एक असिस्ट भी किया है ओगबेचे ने, 301 पासेस से 442 टचेस से एवरेज पासेस पर गेम है 18.81, उसके बाद 3 इंटरसेप्शन और 24 क्लियरेंस। तो बहुत ही उम्दा और दमदार परफॉर्मेंस के चलते सब कुछ देखते हुए मैंने इनको 2 नंबर पर रखा है। और इसके बाद नेक्स्ट भाई मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद है एफसी गोवा के मिडफील्डर हुगो बोमो, जो कि द प्लेयर भी हो सकता है इस बार, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ था। तो 2017 में एफसी गोवा के टीम में साइन हुआ था हुगो, और उसके बाद लगातार 2 सीजन इनको सर्जियो लोबरे सेकेंड चॉइस यूज कर रहा था, और इस बार इनको मौका मिला था फर्स्ट चॉइस में, और उन्होंने उस मौके को
दो हाथ से एक्सेप्ट किया और एक जबरदस्त दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। एकदम एक्सीलेंट इनका परफॉर्मेंस था। तो मेरे हिसाब से ह्यूगो ने इस बार अपना बेस्ट दिया है आईएसएल के सीजन में और उसके ही चलते मैंने इनको टॉप पोजीशन पर रखा है। आपको भी पता है इनका स्टैट्स, तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। टोटल 15 मैच इस सीजन में इन्होंने खेला है, 1201 मिनट इनका गेम टाइम रहा है, 11 गोल 10 असिस्ट। एक कारनामा अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया था आईएसएल के किसी भी सीजन में, जो ह्यूगो बोवो ने इस बार करके दिखा दिया है। उसके बाद अगर पासेस की बात किया जाए तो 729 पासेस से 858 टाचेस से एवरेज पासेस पर गेम है 48.60। उसके बाद इंटरसेप्शन है 8, क्लियरेंस है 4। तो भाई इनका जो स्टैट्स है वो भी बहुत ही कमाल का है और खिलाड़ी वो भी बहुत ही कमाल का है और उसके बाद परफॉर्मेंस और वो भी बहुत ही कमाल का है। हाँ, तो भाई ये रहा मेरी तरफ से मेरा टॉप 10 लिस्ट विदेशी खिलाड़ियों का जो इस बार आईएसएल सीजन 6 में बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस क्या है। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऑफेंड मत होइए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आपका क्या टॉप 10 लिस्ट है आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मेरा जो है मैंने आपको बता दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।